साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों हम अभी हैं रुद्रप्रयाग में और रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन की तिथि 29 तारीख तक है और आज 27 अक्टूबर हो चुकी है और नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर को है और 20 तारीख को नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होना है। लेकिन उपचुनाव को लेकर इतनी कसम आज तक शायद नहीं देखी होगी आपने, जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां रस्साकसी खींचने में लगी हुई हैं और शायद कौन सा अमृत इस रस्साकसी में निकल जाए, समुद्र मंथन में निकल जाए कि तब जाके कोई अमृत निकल के ये कहा जाए कि इस नेता को अमृत पिलाया जाए और उसके बाद इसको टिकट दिया जाए। अभी तक यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा ने एक उपचुनाव को लेकर एक टिकट का कैंडिडेट जारी नहीं कर पाया, भाजपा अपने कैंडिडेट को जारी नहीं कर पाई, कांग्रेस अपने टिकट को अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दे पाई, नामों की लिस्ट लंबी है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, लंबी लिस्ट, चाहे वो राज्य से जिले से जा रखी हो या जिस विधानसभा से चुनाव हो रहे हैं वहाँ से लंबी लिस्ट राज्य को जा रखी है। राज्य ने अपने जो बैठकें की हैं, बैठकों का दौर जो रात दिन चल रहा है, जो कयासबाजी चल रही है, लगातार चलती आ रही है, उसको लेकर मीटिंगों का दौर हो रहा है, चल रहा है, कानाफूसी चल रही है। एक एक को कह रहा है कि आपका टिकट हो गया, दूसरा कह रहा है तो आपका टिकट हो गया, आपका फाइनल होने वाला है, आपका फाइनल होने वाला है। और अभी तक जो पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि अब हाईकमान को भेज दिया गया है, आपका जो पैनल की जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों में उनके नामों की चर्चा होने के बाद पैनल में भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि 29 अक्टूबर को जो नामांकन की तिथि है वो 5 बजे तक है, तो शायद में बीजेपी कह रही कि कांग्रेस पहले अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल करे और कांग्रेस कह रही कि पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल करे, वो चाहे वो जाति समीकरण से लेकर हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी अपने उलझनों में उलझी हो या कांग्रेस अपने उलझनों में उलझी हो, या किसका काम अच्छा है, किसका वोट बैंक ज़्यादा है, किस प्रकार से ठाकुरवाद, अगर जातिवाद का समीकरण करें तो कि ठाकुर को टिकट दिया जाए कि ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, कि महिला को टिकट दिया जाए कि पुरुष को टिकट दिया जाए, कौन किस पे भारी होगा, कौन कितने अंतरों से जीतेगा और कौन हमारी साख को बचा के रखेगा। चाहे कांग्रेस है वो कह रही है कि हम जिस तरह से हमने रुड़की की सीट जीती है, चाहे उसने बद्रीनाथ की सीट जीती है, उनका पारा गर्म हो रखा है, वो कह रहे हैं कि हमने तो भाजपा के जो भाजपा की जो कार्यशैली है, जो नीति है, उसके विरोध में हमने चुनाव जीता है और वो दमखम जोर लगा रही है कि केदारनाथ से भी कांग्रेस अपनी सीट निकालेगी। वहीं भाजपा अपने टिकट को लेकर इस समीकरण को बिठाने में लगी हुई है कि किस महिला टिकट उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, कि पुरुष कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, किस, चाहे उनके पास
सत्ताधारी पार्टी के पास, चाहे वो किसी की भी रिपोर्ट हो, चाहे पुलिस की रिपोर्ट हो, LI की रिपोर्ट हो, चाहे संगठन की रिपोर्ट हो या कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट हो या संगठन महामंत्रियों की, क्योंकि संगठन का उनका जो पूरा संगठन है, महामंत्री, प्रदेश महामंत्री हैं जो आदित्य कोठारी, वो लगातार पिछले एक महीने से केदार घाटी में पड़े हुए हैं। बैठकों का दौर है, जगह जगह बैठकें हो रही हैं, संगठनों की बैठक हो रही हैं, पदाधिकारी गाँव गाँव में भ्रमण हो रहा है, लगातार तमाम जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। किस प्रकार से चुनाव को अपने समय का अपने पाले में कर दिया जाए और इस तरह से केदारनाथ घाटी का जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको इतना इस तरह से पैनिक बना दिया गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जो चाहे वो शैला रानी रावत के लड़की हो, ऐश्वर्या राय हो, चाहे कुलदीप रावत हो, कुलदीप नेगी आज़ाद हो, चाहे वासा नौटियाल हो, और इन लोगों में जो अजय कोठियाल हो, इन तमाम लोगों के नामों की चर्चा हुई और बैठकों में जो समीकरण निकला, जो यहाँ के लोकल लोगों से भी उसकी जानकारी जुटाने के बाद किस नतीजे में BJP पहुँची है। BJP ने अभी तक अपना पत्ता सबको ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ आपका होने जा रहा है, आपका टिकट फाइनल है, आप क्षेत्र में जाते रहो, आप काम करते रहो, आप लोगों के बीच में जाते रहो, काम करते रहो। लोगों की जो कार्यशैली, लोग भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि किस जो जिसका जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के जो अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे नेता का टिकट हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता का टिकट हो रहा है, हमारे नेता का टिकट हो रहा है, हमारी महिला उम्मीदवार का टिकट हो रहा है। लगातार समीकरण बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, और जो हवाओं का दौर है, जो सोशल मीडिया में जिस तरह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, प्रिंट मीडिया में चल रहा है, जो हवा का जो गुब्बारा जो बना हुआ है, ये कह रहा है कि आपका टिकट होने वाला, आपका नहीं हुआ, आपका पैनल से नाम हट गया, ये तो अंदर की बातें हैं। अब देखना होगा कि जो सारी निगाहें केदारनाथ घाटी की जो पर लगी हुई हैं उपचुनाव को लेकर, अगर राज्य में चुनाव होते और दो विधानसभाओं के लिए टिकट की दावेदारी होती तो जल्दी टिकट फाइनल हो जाता, लेकिन इस सीट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, अगर इस सीट पे अगर चुनाव भाजपा जीत जाती है तो प्रदेश की कुर्सी बच सकती है। अब ऐसे में ये केवल उठक पटक है कि हकीकत है। राज्य सरकार अपने पूरे जो घोषणाएं कभी नहीं होनी थी, वो घोषणाएं पूरी मुख्यमंत्री द्वारा केदार घाटी में कर दी गई हैं। उनका किसका कुछ का शासनादेश जारी हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ पुरानी घोषणाएं थी, कुछ उनको उनका शासनादेश, सड़कें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये लोगों का भी कहना है कि आज तक इन घोषणाओं पे अमल क्यों नहीं हुआ, आज तक ये घोषणाएं क्यों नहीं हुई, अब जो विधायक आएगा वो काम क्या करेगा, क्योंकि सारी घोषणाएं तो मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई हैं। ऐसे में अब जो विधायक बनेगा वो क्या करे, ऐसी चर्चाएं जो भाजपा के जो पूर्व जो कह रहे हैं कि हमारा नाम भी पैनल में, वो शायद उन लोगों ने भी इस बात को रखा है कि हमने तो सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन फिर भी नाराज़गी किस बात की है कि जो भाजपा से लोग नाराज़ हो रखे हैं या कांग्रेस से नाराज़ हो रखे हैं, किसके सर पे ताज BJP बिठाएगी या किसके सर पे कांग्रेस ताज बीच का श्रेय ले, BJP जीत का श्रेय लेती है या कांग्रेस जीत का श्रेय लेती है, ये बड़े उठक पटक मामले हैं। और आज 27 अक्टूबर हो चुकी हैं और लोग जिस तरह से कह रहे थे कि 20 को टिकट फाइनल हो जाएगा, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, आज 27 हो गया और कल का दिन एक बीच में रह गया है और 29 तारीख को नामांकन की जो आखिरी तिथि है वो है। अब भाजपा किस प्रकार से अपने कैंडिडेट को टिकट देती है, किस कैंडिडेट को टिकट देती है, किसका टिकट का फाइनल हो रखा है, ये अभी जो जिसे रिजल्ट कहते हैं, वो जीतने वाला हारने वाला रिजल्ट तो बात की बात है, लेकिन ये जो टिकट कैंडिडेट का रिजल्ट है वो अभी उन्होंने बंद लिफाफे में पैक करके रखा हुआ कि कब रिजल्ट खुलता है। सबकी निगाहें BJP पे लगी हुई हैं और कांग्रेस पे भी लगी हुई हैं। कांग्रेस की कल की बैठक हुई थी, कल में जहां पे उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने भी अपना एक बयान दिया है कि देखते हैं कि कांग्रेस BJP किस कैसी चाल चलती
जाती है, उसके बाद ही हम अपने पत्ते खोलेंगे, अपने कैंडिडेट का नाम बताएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि मनोज रावत का टिकट फाइनल हो गया, हरक सिंह रावत को समीकरण नहीं बैठे, बाहर कर दिया गया। लंबी लिस्ट कांग्रेस की भी है, तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग विधानसभा केदारनाथ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। और इस दिलचस्पी को लेते हुए पूरे देश में ही नहीं, चर्चाओं का बाजार चाहे देहरादून में हो, दिल्ली में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे किसी भी विधानसभा में, उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा में हो, कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने इसे अपने नाक का सवाल बना दिया है कि बीजेपी किस मोहरे को अपना टिकट देती है और जीत कर लाती है, कि यह कांग्रेस अपने मोहरे को टिकट देती है, जीत के लाती है। ये बड़ा समीकरण हुआ और ये आप लोगों को विवश कर रहा है सोचने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो टिकट का दावेदारी में 20 दिन में, मतलब पिछले लगातार 6 महीने से जब से आचार संहिता लगी है, उससे पहले ये चर्चा चली थी जब स्वर्गीय शैला रानी रावत ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा कि क्या उसके उत्तरदायित्व को, जो उत्तरदायी हैं, उत्तराधिकारी हैं, उसको टिकट दिया जाएगा, कि बाहर के लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पहली कांग्रेस बीजेपी ये परिपाटी चलती रहेगी जिस तरह से उन्होंने चंद्र रामदास को टिकट दिया, मतलब जितने लोग ख़त्म हुए हैं बीजेपी के, जो चाहे वो पंत की घरवाली को टिकट दिया, इस तरह से ना ये चलती रहेगी। हम भी टिकट के दावेदार हैं क्योंकि हम भी उनके उत्तराधिकारी हैं और हमारा हक बनता है। अब पार्टी ये देखती, क्या संगठन ये देखता है कि क्या इन्होंने काम किया है, क्या इनकी साख रहती है कि नहीं रहती है, साख आगे चलती कि नहीं चलती है, किस प्रकार से इन पे दाव खेला जाए, इन पे रेस कोर्स का जैसा घोड़ा चलाया जाए कि भाई ये घोड़ा चल पाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि आगे जो उत्तराखंड की सीट है, उत्तराखंड की बात करें तो चुनाव से लेकर राजनीति में बड़ा दिलचस्प मोड़ रहता है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में कहते हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, और इसी को देखते हैं उत्तराखंड की जो ये विधानसभा उप विधानसभा चुनाव है वो हो रहा है, उसमें चाहे बीजेपी की अपनी ताकत झोंक दे कांग्रेस, लेकिन वोट तो जनता ने ही देना है, और जनता किसको जिता के भेजती है, किस पे मोहर लगाती है, और जनता का फाइनल दिवाली किससे मनाती है, जनता किसे फाइनल में पहुंचाती है, ये तो आने वाले 29 तारीख को जब नामांकन ख़त्म हो जाएगा, या कल अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट का टिकट नामांकन नाम घोषित करती है, कांग्रेस अपना प्रत्याशी का नाम घोषित करती है, तो उसके बाद जो फाइनल होगा वो तो 20 तारीख को जब लोग वोट डालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये बीजेपी और कांग्रेस की जो टिकट की जो बात हो रही थी इतने लंबे अंतराल के बाद, आखिर ये कहाँ पे रह गया और क्यों ऐसा किया गया, वो आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए, अपने सुझाव कमेंट्स और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइबर करते रहिए, और बताइए कि जो हमारी रिपोर्ट है, जिस प्रकार से उठापटक का ये दौर चल रहा है केवल कैंडिडेट के लिए, अभी तो समीकरण तो बात का बात है कि जो चुनाव में जीत हार का समीकरण कैसा होगा, अभी तो केवल ज़्यादा लड़ाई तो कैंडिडेट की लड़ाई है कि किस कैंडिडेट को बीजेपी का टिकट मिल रहा है, किस कैंडिडेट को कांग्रेस का टिकट मिल रहा है, किसकी पकड़ ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा पकड़ ज़्यादा है, महिला की है कि पुरुष की है, किस ठाकुर की है कि ब्राह्मण की है, ये सारा समीकरण गठजोड़ संगठन भी देख रहा होगा, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसके बाद आगे रणनीति तय होती है। और अभी सभी ये कह रहे हैं कि इनका टिकट फाइनल हो गया, फाइनल तो तब होगा जब नाम घोषित होगा कि इस कैंडिडेट को हमने बीजेपी ने टिकट दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए gaontaklive.com, और अपने सुझाव अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताएं, और बताएं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का जो चुनाव बना हुआ है ये नाक का सवाल बना हुआ है दोनों पार्टियों के लिए।